नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की डेस्कटॉप यूटिलिटी है जो बेसिकली पटवारियों के लिए है, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये पीडीएफ फाइल है जिसके द्वारा अध्ययन करेंगे इसका हम, कि जो इसमें जो किसानों को 6000 रुपये मिलने हैं उसमें जो पात्र किसानों का संबंधित जो भी कार्रवाई है वो तो पटवारी ही करेंगे। डेस्कटॉप यूटिलिटी क्या है? डेस्कटॉप यूटिलिटी समझते हैं कि जो डेस्कटॉप पर चलेगी। तो ये बनाई क्यों गई है? क्योंकि इसमें देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि जो ये योजना है इसके अंतर्गत पात्र कृषकों की सूची तैयार करने के लिए जो कार्य होने, समय सीमा के अंदर कार्य होने हैं, तो कार्य सरलता से हो जाए, टाइम के अंदर हो जाए। इसलिए क्या है कि नेट और सर्वर पे डिपेंडेंसी कम से कम रहे, इसलिए क्या है काम ऑफलाइन हो सके, इसके लिए डेस्कटॉप यूटिलिटी बनाई गई है। नहीं होता क्या, कई बार काम की डेडलाइन तय कर दी जाती है कि काम हमको जल्दी ख़त्म करना है और इंटरनेट हमें नहीं मिलता है, तो काम में देरी हो जाती है। इसलिए क्या रखा गया है, एक डेस्कटॉप यूटिलिटी बना दी गई है जिससे क्या हो, बहुत सारा काम बिना इंटरनेट के हो सकता है। ये ऑफलाइन भी कार्य करती है, मतलब इसके लिए हमें नेट की आवश्यकता नहीं है। केवल निम्न कार्य हैं जिसके लिए हमें कंप्यूटर में नेट जोड़ना पड़ेगा। पटवारी को लॉग इन कर पाएंगे नेट के द्वारा। हल्के का डेटा डाउनलोड भी क्या नेट से ही होगा, समग्र डेटा डाउनलोड नेट से होगा। डेटा अपलोड तो अंतिम में सब सूची फाइनल बन जाएगी, उसको अपलोड करने के लिए नेट कनेक्शन चाहिए होगा। यानी बीच जो इतनी प्रक्रिया है डाउनलोड अपलोड की, बीच की समस्त प्रक्रिया वो बिना नेट के हो जाएगी, डेस्कटॉप यूटिलिटी से हो जाएगी। जो हमारी यूटिलिटी है इसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। यूटिलिटी का आप सिंपल मतलब टूल समझ लें, एक तरह का टूल है, सॉफ्टवेयर है। तो किसके लिए बनाई गई है? ये पटवारियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि गांव के बारे में जो भी किसान वगैरह सब पटवारी ही जानते हैं, तो वो जो पटवारी हैं ये वो योजना संबंधी निम्न कार्य संपन्न कर सकते हैं। पहला काम क्या है, खाताधारक के सर्वे होते सूची, भाग एक डाउनलोड करना, उनको प्रिंट करना है, ये सब रहता है यूटिलिटी में, सब रहेगा। जितने भी खाते में सम्मिलित खाताधारक हैं उनको अलग अलग विभाजित करना, उनकी जानकारी भरना और परिवार बनाना, परिवार की परिभाषा के अनुसार खातेदारों को परिवार में जोड़ना, ये काम करना है, सब पटवारियों काम करना है। ये काम डेस्कटॉप रिलेटेड जो हमारी है पीएम केएसवाई ऐप है उसके द्वारा सारा काम हो जाएगा। ये सबसे न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन है, आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, 2 GB ज़्यादा आराम से होती है, हार्ड डिस्क तो 10 GB होती है। मॉनिटर रिजोल्यूशन प्रिंटर कोई भी चलेगा और OS विंडोज 7 XP SP2 वर्जन भी है, SSCE 2 भी है। यानी ऐसा कोई डिमांड नहीं है जो आपके सिस्टम में ना हो, और आसानी से सभी सिस्टम में ये सेटअप, ये कॉन्फ़िगरेशन होता ही है, इससे ज़्यादा ही होता है। यूटिलिटी डाउनलोड, ये आपका लिंक है जहाँ से क्लिक करके हम यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको यूज लिंक करके खोल सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा। इस समय से यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर ओपन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया हमारा ये लिंक ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। देखेंगे ब्राउजर हमारा खुल जाएगा। आपका ये ऊपर का ये यहाँ चेंज होते से कन्फ्यूज नहीं होंगे, mp.gov.in गिरजावरी बदल जाता है, इसका आईपी एड्रेस उसको परेशान नहीं होंगे, सारी चीज़ें आपके यहीं पर हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो यूटिलिटी है वो आपके कहाँ, ये देखिए यहाँ पे पीएम किसान डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड, ये यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये फसल गिरजावरी का हमारा है डोमेन है। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, पीएम किसान डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारा मैनुअल भी मिल जाएगा इसमें, देखिए यूजर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारियों के लिए सब कुछ बहुत यूजफुल लिंक है ये, यहाँ सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो मैं दिखा रहा हूँ मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। वर्कफ्लो डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तो बेसिकली हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमारा डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ये इसको मैंने ओपन कर लिया, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। डिपेंड ऑन नेट की स्पीड डाउनलोड हमारा उसी हिसाब से होगा, ये भी टाइम दिखा रहा है डाउनलोड होने के लिए। डाउनलोड होता है जिप फाइल होती है, जिप फाइल को हमें अनजिप करना पड़ता है। अनजिप के लिए आप बिन जिप यूज कर सकते हैं, अधिकांश कंप्यूटर में बिन जिप होता है ना, उसे आसानी से गूगल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिन जिप को। ये डाउनलोड हो ही रहा है, तब तक मैं जो पीडीएफ फाइल में देख लें क्या एक्टिविटी आगे हैं, जो हम पीडीएफ फाइल देख रहे थे। यानी आप यहाँ मुख्य पृष्ठ है, हम यहाँ पे लिंक में मैंने क्लिक किया है, मैं लिंक मेरी खुल गई है। फिर क्या आप देखें यहाँ से क्या करना है, हमें लिंक में जाने के बाद ये देखें यहाँ क्लिक करना है पीएम किसान डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड, यहाँ हमने क्लिक कर दिया है तो डाउनलोडिंग प्रक्रिया हमारी चल रही है। आगे जो हमारा काम है क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर को अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद पीएम केएसवाई ऐप में क्लिक करना है, तब यहाँ डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद हमें अनजिप करना है। ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो ही गया है, 98% 99। ये हमारा सिक्योरिटी स्कैन कर रहा है,
आप व्यू डाउनलोड कर सकते हैं तो आप डाउनलोड फोल्डर पहुंच जाएंगे। अगर आप डाउनलोड करने के बाद कहीं फाइल ना मिले तो आप डाउनलोड फोल्डर में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये विनजिप फोल्डर है डायरेक्टली, तो आप यहाँ से कभी कभी हो सकता है मान लीजिए फोल्डर आपको ना मिले, यहाँ से आप जान लीजिए आप यहाँ ओपन सेव करके पहुँच जाते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं पहुँचे तो हम कैसे आएंगे, एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं यहाँ डायरेक्टली। मैं यहाँ भी दिखाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ, मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, मैंने डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर दिया इसको, ये डिबग फोल्डर बनेगा डेस्कटॉप में। मैंने ओके कर दिया, पहले से फोल्डर है, मैं एस टू ऑल कर देता हूँ, ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए हमने डाउनलोड किया, हमें फाइल नहीं दिख रही, हम क्या यहाँ राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे स्टार्ट में और लिखेंगे डाउनलोड, क्योंकि नेक्स्ट से जो भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड फोल्डर में जाती है, फिक्स है ये, ये डाउनलोड फोल्डर है। मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड फोल्डर और यहाँ से आप देखें डेट मॉडिफाइड हमने क्लिक किया डाउनलोड में जाके, ये देखें पीएम किसान डॉट ईएक्सई ये आपकी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, आप यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ से ओपन करूँगा तो देखिए वही आप सेम पहुँच गए जो हम वहाँ से पहुँचे थे, आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तब करना है जब आपको मान लीजिए वहाँ से डाउनलोड आपने किया और आपको फाइल वहाँ नहीं दिख रही है, तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाके फाइल यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे मिल गई है, अब आगे क्या करना है हम एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं, हम यहीं से फॉलो कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अनजिप के बाद जो करना है फोल्डर को खोलना है और ये पीएम के एस वाई एफ फाइल में क्लिक करना है और उसके बाद भी देखने का करना है, उसके बाद वर्क फ्लो है वर्क फ्लो देखेंगे बाद में। फिर क्या करना है, यूटिलिटी में लॉग इन करना है, लॉग इन ये मैं पहले खोल के दिखा दूँ। मैं जैसे डेस्कटॉप में आ रहा हूँ, यहाँ से ये डेस्कटॉप में ये डिबग फोल्डर ये बन गया है, ये हमने क्लिक किया है और यहाँ देखिए पीएम के एस वाई एफ ये आपके दो फाइलें हैं तो कन्फ्यूज इससे ना होंगे, जो नीचे वाले फाइल जिसमें खाली एप्लीकेशन लिखा है उसको खोलना है, जो ज़्यादा बड़ी साइज की है उसको खोलना है। तो इसको हमने क्या किया है, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर पासवर्ड लगेगा, वो पटवारी का जो गिरजावरी का है वही लगेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि जब खुल जाएगा तो क्या करना है, लॉगिन के लिए गिरजावरी ऐप में जो प्रयोग कर यूजर आईडी पासवर्ड उसका उपयोग करना है, पासवर्ड नहीं पता क्या है फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, इसके लिए नेट होना आवश्यक है। लॉगिन करते ही जो गांव का डेटा स्वतः डाउनलोड हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं ये हमारा ऐसा खुला है, अगर नहीं पासवर्ड पता हम इसको क्या कर सकते हैं फॉरगॉट कर सकते हैं। तो चूंकि अपने पास तो आईडी पासवर्ड नहीं है तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बाकी काम पीडीएफ से देखेंगे। और चीज़ देख लें जो हम लिंक में थे क्या क्या डाउनलोड में है, जो हम लिंक देख रहे थे, हम जो यूजर मैनुअल समझ चुके हैं, आप डिटेल से पूरी मैनुअल यहाँ मिल जाएगा, बेटर है कि आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लें एक बार। प्रेजेंटेशन में दिखाई रहा हूँ वर्कफ्लो एक सिंपल पेज में है कि क्या क्या इसके वर्कफ्लो रहे, इसे हम चर्चा करेंगे अभी वर्कफ्लो को। एप्लीकेशन डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, रिपोर्ट व्यूअर कंपोनेंट, अगर रिपोर्ट आप व्यू नहीं कर पा रहे हैं तो CLR इस कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के कंपोनेंट हैं 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए, यानी आपका कंप्यूटर 32 बिट का तो आप यहाँ डाउनलोड करेंगे, 64 के इसको डाउनलोड करेंगे। कैसे जाने कि हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है, अधिकांश लोगों को पता है फिर भी अगर नहीं पता तो क्या करें कि डेस्कटॉप में आपका एक आइकन होता है, जो हमारा आइकन रहता है ये माई कंप्यूटर डिस पीसी, विंडो 10 में डिस पीसी रहता है, यहाँ हमने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज कर दिया, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ देखिए सिस्टम टाइप का 64 बिट दिखा रही है, यानी हमारा 64 बिट का है। यानी मुझे अगर रिपोर्ट देखने में दिक्कत आ रही है ये तब करना है, अगर रिपोर्ट आप नहीं देख पा रहे हैं तब क्या करेंगे 64 बिट कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे। चलिए आगे क्या काम करना है, अब लॉगिन के बाद जो काम रहेगा, कई सारे टैब होते हैं तो ये टैब है समग्र डेटा डाउनलोड, पहले क्लिक यहाँ करना है। देखिए कई टैब हैं, खातों की प्रविष्टियाँ, परिवार की संरचना बनाए, परिवार ये सब टैब हैं, तो कहाँ जाना है पहले समग्र डेटा डाउनलोड में जाना है, शुरुआत यहाँ से करनी है, वहाँ तक कहाँ करना है अपलोड से करना है, कि दोनों जो अंतिम बने शुरुआत यहीं से करनी है, ये स्किल एंड चाहिए आपका। तो समग्र डेटा डाउनलोड के द्वारा ग्राम वार समग्र डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए जिला है, ब्लॉक है, ग्राम पंचायत, ग्राम, और ये डाउनलोड क्लिक कर देना है गांव चुन के, नेट कनेक्शन चाहिए इसके लिए। डाटा डाउनलोड के बाद आपके आ जाएंगे रिपोर्ट ऑप्शन, रिपोर्ट यहाँ बगल में होता है, रिपोर्ट ऑप्शन के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, और रिपोर्ट में जो समग्र आईडी है इसका उपयोग आप डाटा को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं। समग्र आईडी डालने से क्या होता है कि जो भूमि समय का अंग्रेजी में नाम, आधार नंबर, आयु, ये अपने आप आ जाता है। ये तो पहला काम यहाँ किया, फिर कहाँ जाएंगे रिपोर्ट में, रिपोर्ट का टैब जस्ट बगल में है, जैसे हम आगे जा रहे हैं स्पेस यहाँ पे तो देखेंगे समग्र डेटा डाउनलोड के बाद बगल में टैब रिपोर्ट का है, ये सारी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट यहाँ पे जितने सब डाउनलोड कर लेने रिपोर्टों को, ये रिपोर्ट के लिए ही आपका CLR जो यहाँ पे देखें आप CLR जो हम बात कह रहे थे, ये रिपोर्ट अगर नहीं आप व्यू कर पा रहे हैं तो आपको ये डाउनलोड कर लेने कंपोनेंट 32 बिट और 64 बिट का।
यानी पीडीएफ वापस आते हैं तो रिपोर्ट काहे काहे के इसमें है, अन्य स्रोत के बैंक की जानकारी, ये देखिए ये वाला है, ये डाटा ई उपार्जन से लिया गया है, भूमि स्वामी के बैंक खाते की जानकारी है, समग्र रिपोर्ट, समग्र आईडी अंग्रेजी में नाम, उम्र, फैमिली आईडी सब इसमें समग्र रिपोर्ट में है, सर्वे सूची पार्ट वन ये यहाँ से है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, भू अभिलेख खातों की जानकारी मिल जाएगी हमें जो ये, और खातेदारों की सूची इसे क्या मिल जाएगा कि ग्राम से जानकारी प्राप्त करके इसमें भरना है और भू स्वामी का हस्ताक्षर लेना है, और ये जानकारी आपको जो खाता जब अपडेट करें तब आपकी यूज आएगी, ये सब जो रिपोर्ट आपको तैयार कर लेनी है। अब यहाँ तक आपने क्या किया, अपना कच्चा काम पूरा कर लिया है, अब मेन जो नेट वाला काम आपका लगभग हो चुका है, फिर आपको डेटा इकट्ठा करने के बाद जो काम करना है अब आगे हम आते हैं। अब आप काम यानी देखिए डाउनलोड के लिए आपको नेट लगा, बाकी काम आप यहीं से कर ले रहे हैं, डाउनलोड के बाद आप रिपोर्ट सारी ऑफलाइन नेट के निकाल सकते हैं और फिर बाकी काम भी हमारा आगे हो जाएगा। आगे हमारा काम क्या है कि खातों में उपलब्ध भूमि स्वामियों को जानकारी को अद्यतन करना, तो जानकारी अध्ययन करने कहाँ क्लिक करेंगे, खातों की प्रविष्टि में क्लिक करेंगे, जो हमारा शुरू में टैब है, क्लिक करते ही गाँव की सूची आ जाएगी, गाँव का नाम क्लिक करना है, फिर सारे खाते आ जाएंगे, क्या करना है, खाते बरसे पर क्लिक करते ही खाते को अद्यतन करने की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, ये अब देखें यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, ये क्या करेंगे खाते को आप अपडेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पहला क्या चुनेंगे, प्रकार चुनेंगे, कैसी भूमि है, भूमि स्वामी जोड़ें, खातेधार जोड़े, यहाँ से क्लिक करेंगे आप यहाँ से पूरी डिटेल एंट्री कर देंगे, अभी और भी एंट्री रहती है इसमें, जब सब कुछ एंट्री कर लेंगे तब फाइनलाइज खाता क्लिक करेंगे, नाम वगैरह डाले, पिता का नाम हिस्सा डाल दिया यहाँ पे, फिर आगे और डिटेल भी डालनी है, समग्र आईडी डालते हैं आप जैसे ही, तो अब ये देखिए जो नाम ऊपर लिखा है इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे भूमि स्वामी का नाम वगैरह, और समग्र आईडी लिखते ही जो है अंग्रेजी में नाम, फैमिली आईडी, लिंक स्वतः डिस्प्ले हो जाएगी वो, फिर यहाँ पे है आपका हाँ नहीं चुनना है कि इस जो पीएम केएसवाई योजना है, पीएम किसान योजना, इसके लिए वो लाभ पात्र है कि नहीं है, अगर हाँ है जानकारी नीचे भरनी है, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कारण डाल के इसको सेव में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेव बटन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बैंक खाता जानकारी उपार्जन में है तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आगे हम आते हैं तो ये जब खाते जुड़ गए हैं, खाते जानकारी पूर्ण भरने के बाद क्या फाइनलाइज खाता में क्लिक कर देना है, जब खाता की प्रविष्टि हमारी पूरी हो जाएगी, खाते की प्रविष्टि यहाँ से कर, पहला जो हमारा टैब यहाँ से कर रहे हैं क्रमशः करेंगे, पहले हम समग्र डाउनलोड के डाटा डाउनलोड किए, फिर रिपोर्ट तैयार कर ली, अब यह क्रमशः करेंगे यहाँ शुरू करेंगे, खाते की प्रविष्टियाँ, परिवार की संरचना, परिवार की सूची, फिर अपलोड, ये काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत यहाँ से की, खाते की प्रविष्टियाँ कर रहे हैं, यानी खातेदारों की एंट्री की जा रही है यहाँ पर। फिर क्या अगला टैब है, परिवार की संरचना बनाई, देखें सेकंड वाला टैब इसको कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि गाँव का चयन करें, गाँव का चयन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपने समग्र फैमिली में क्लिक किया तो क्या एक समग्र आईडी एक जगह आ जाती है, यहाँ से आपका साइटिंग कर लेगा तो क्रमबद्ध हो गई है, तो आप परिवार बनाने के चुन लेंगे कि हमारी इतने जो मेंबर हैं एक फैमिली में आते हैं, और जब चुन ले सारे मेंबरों को तो क्या करें परिवार बनाने में क्लिक कर दें तो परिवार एक बन जाएगा। आगे हमारा काम क्या है, इसके बाद परिवार के मुखिया को चुने, तो यहाँ से क्रमबद्ध कर सकते हैं आप, किसी एक को आप क्या करते हैं मुखिया ही चुनना है, एक से ज़्यादा मुखिया नहीं होगा, और यहाँ क्लिक कर देना है आपको, ये आपने कर लिया। अब परिवार की सूची देखें, तीसरा टैब जो है ये खाते प्रविष्टि होगी, परिवार बन गया, अब परिवार की सूची देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा परिवार की सूची जो आपने बनाए डिस्प्ले हो जाती है, अगर आप सदस्य हटाना है या मुखिया बदलना है तो डिलीट में क्लिक कर दें तो क्या होगा यहाँ से हट जाएगा, और फिर कहाँ जाएंगे परिवार की संरचना में जाएंगे, इन्हें एडिट ऑप्शन यहाँ पे नहीं, एडिट कर लें आप यहाँ पे जाके वहाँ से आप क्या करेंगे फिर बदल सकते हैं, उन्हें दोबारा बदल सकते हैं। ग्राम सभा की रिपोर्ट, अब आप सूची बन गई है, सूची की आप यहाँ से क्या रिपोर्ट में गए आप, ग्राम सभा की रिपोर्ट एक कॉलम है, ये आपको 100 रिपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप डिस्प्ले करने के लिए ग्राम सभा के जो पटल है वहाँ चस्पा करने के लिए कौन कौन योग्य भूमि स्वामी है उनकी जानकारी ग्राम बार प्राप्त की जा सकती है, वहाँ दिखेगा। अब काम है अपलोड, जिनकी संरचना पूर्ण कर दी गई है उन्हें सिर्फ अपलोड किया जा सकता है, इसके लिए नेट कनेक्शन चाहिए, नेट किसके लिए चाहिए आपको, डेटा डाउनलोड करना, अपलोड करना, ये जो टैब है ये शुरुआत यहाँ से होगी अंत यहाँ से होगा, तो अपलोड करने के लिए नेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या है आपके जो ऑप्शन है अपलोड के लिए पेंडिंग रिकॉर्ड यहाँ देख सकते हैं, अपलोड हो चुके डाटा की सूची यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो जितने रिकॉर्ड यहाँ से डिस्प्ले होते हैं जिन खातों को अपलोड करना है आप उनमें क्या करें यहाँ पर टिक लगा दें और अपलोड कर देंगे तो हमारा क्या अपलोड हो जाएगा। ये आपका पीएम किसान का आप बेसिक वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो एक बार देख लेते हैं, तो हमारी पीडीएफ हो गई जिसमें कहा यहाँ वर्क फ्लो है, हमने यहाँ यहाँ क्लिक किया ये आपको वर्कफ्लो दिखा देगा यहाँ से कि कैसे कैसे काम होना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा काम होना है, ये वर्कफ्लो हमारा है, शुरुआत हमारी कैसे होनी है,
तो इसमें साफ साफ लिखा है केवल लॉगिन करने, डेटा डाउनलोड करने या डाटा अपलोड करने के लिए नेट कनेक्शन लगेगा, शेष काम बिना नेट के कर सकते हैं। पहला काम डाउनलोड है, तो क्या है कि यूटिलिटी को हम यह जहाँ पे लिंक लिखी है यहाँ से डाउनलोड करके फोल्डर कॉपी करके ये ऐप ओपन करेंगे। अगला काम लॉगिन है, तो गिरजावरी ऐप में जो भी उपयोग कर रहे हैं आईडी पासवर्ड ये यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर डाउनलोड है, समग्र डेटा डाउनलोड एक टैब ही है, उसमें जाके ग्राम बार डेटा डाउनलोड कर लेना है। अगला रिपोर्ट का टैब है, ये टैब बना है रिपोर्ट का, वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है, जितने रिपोर्ट हैं, बैंक जानकारी, समग्र रिपोर्ट, खातेदारों की सूची, सर्वे सूची पार्ट वन डाउनलोड कर लेना है। क्या क्या है? बैंक जानकारी उपार्जन से है, समग्र रिपोर्ट में सब आईडी, अंग्रेजी में नाम, उम्र, फैमिली है, पार्ट वन भूगोलिक खातों की जानकारी है। ये जानकारी थी खातेदारों की सूची जिसमें आपको जानकारी भरनी है और साइन लेना है भू स्वामी के। ये जानकारी आपको जब खाता एंट्री करेंगे तो काम आता है यहाँ पे, इसलिए सब ये रिपोर्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब शुरू होता है रिकॉर्ड अपडेशन। तो पहला जो टैब खाते की प्रविष्टि में जाएंगे, फिर वहाँ से गांव चुनेंगे, खसरा नंबर चुनेंगे, तो क्या होगा, खाते के समस्त कृषकों की जानकारी को आपको अपडेट करना है, मल्टीपल जितने भी खाते धारक सबकी जानकारी डालनी है, और क्या करना है, फाइनेंस खाते में क्लिक करना है। समग्र आईडी अगर सही आप डालते हैं तो कुछ जानकारी खुद आ जाती है, और रिपोर्टन से बैंक खाता भी अपने आप आ जाता है। ये अगला काम क्या, जब आपने सारी एंट्री कर दी, खातेदारों के जानकारी एंट्री कर दी, फैमिली क्रिएशन, परिवार बनाना, तो परिवार की संरचना योजना अनुसार करना है और परिवार का मुखिया चुनना है। फैमिली जब बन गए तो क्या फैमिली सूची देख सकते हैं, और जो आपको लगता है फैमिली गलत बन को डिलीट कर सकते हैं या सदस्यों को हटा सकते हैं। रिपोर्ट फिर आप पे क्या करेंगे, रिपोर्ट सेक्शन में ही जाकर, हाँ से यहाँ से शुरू किया था रिपोर्ट ये डाउनलोड की, तो वहाँ पे एक सेक्शन रिपोर्ट हमारा होता है जहाँ से हम क्या कर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पात्र परिवारों की सूची डिस्प्ले कर सकते हैं। ये रिपोर्ट ग्राम सभा के लिए है। और फिर क्या होता है, जब जिनकी संरचना पूर्ण हो चुकी है उन्हें अपलोड कर देना। इतना काम बेसिक वर्क फ्लो है हमारा पीएम किसान का, तो यही काम है जो हमें करने हैं। और जो कुछ है आपका ये सब लिंक में है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।